देश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। कल पीएम ने अमित शाह के साथ एक बार फिर से बैठक ली है और राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर चौंका सकती है। देश के दिल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। मंगलवार को पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 4 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम के चेहरे पर मंथन किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए चेहरे को कमान दे सकती है। वहीं एमपी में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पीडी शर्मा भोपाल पहुंच गए। जब उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जिनका केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में जो विचार करना है करेगा, हम लोग अपने काम में लगेंगे। फिर भी उम्मीद करें जल्दी सीएम ने। अब ये तो मुझे लगता है कि क्या होगा नहीं होगा ये केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में तय करेगा। उधर एमपी में कई नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। मसलन प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय। जाहिर है सीएम तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन बाकी के दिग्गज नेताओं की प्रदेश में भूमिका क्या होगी, इसे लेकर सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर है। और मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ग्वालियर चंबल अंचल से सीएम बनाने की मांग रखी है। सतीश सिकरवार का यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर नरेंद्र सिंह तोमर में से किसी एक को सीएम बन जाना चाहिए ताकि ग्वालियर चंबल इलाके के विकास को गति मिल सके। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ये कह रहे हैं कि सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी में पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कौन आखिर सीएम बनने वाला है। आज़ादी के बाद से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ इस अंचल से कोई सीएम बना होगा, कोई सीएम चेहरा रहा हो। सब जगह सीएम बने, मालवा से बने हों, चाहे भोपाल संभाग से बने हों, चाहे अन्य संभागों से बना हो, जो ग्वालियर चंबल संभाग से जहाँ राजमाता जी की कर्म भूमि है, और भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि यहाँ पर इस बार इस अंचल से मुख्यमंत्री सिंधिया जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, बनाएँ। निश्चित रूप से इससे इस अंचल का भी विकास होगा। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं का रखने का अधिकार है, रखना चाहिए, और निर्णय पार्टी को करना है, जो भी करेगा अच्छा करेगा, आला कमान करेगा।